आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक भ्रष्टाचार मुक्त जेएनके वीक जो है वो मनाया जा रहा है। इस वीक के दौरान काफी एक्टिविटीज प्लान की गई हैं। ऑर्डर्स हमने इशू किए थे जब जीएडी का सर्कुलर आया था कि इसमें हमारे फोकस एरियाज क्या होंगे, और उसी हवाले से आज के दिन सैटरडे के दिन जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको अभी तक की जो हमने एक्टिविटीज की हैं भ्रष्टाचार मुक्त जेएनके अभियान में उसके बारे में मीडिया को ब्रीफ करना था। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस हफ्ते में अभी तक पिछले 5 दिनों से लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। हमारा टारगेट 600 से लेकर 700 कैंप्स का था, एक्टिविटीज का था, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार मुक्त अभियान से जुड़े हुए हैं, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन से, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के हवाले से। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लीड ली है, हमारे कैंप्स विलेज लेवल पे भी ऑर्गेनाइज हुए हैं जिसमें हमने फर्द पे खास तौर से जोर दिया है, डिमार्केशन की जो डिमांड्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया है, और साथ साथ जो म्यूटेशन की जो अटेस्टेशन होती है और जो बाकी खास तौर से इनहेरिटेंस म्यूटेशन को लेकर जो इश्यूज है उसके बारे में लोगों को सेंसिटाइज किया है। पूरे हफ्ते में हमारा फोकस ग्रीवांसेस के रिड्रेसल पे रहेगा। जो ग्रीवांसेस हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकते हैं ऑन रियल टाइम बेसिस उन्हें हम प्रायोरिटाइज करेंगे, और कुछ ऐसी ग्रीवांसेस होती हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट्स वगैरह ऑब्टेन करनी होती हैं, उसमें हमने 1 महीने का टाइमलाइन रखा है उन ग्रीवांसेस को भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसका मेन फोकस एरिया है, उसकी सर्विसेज। उसके अलावा जल जीवन मिशन हमारा दूसरा फोकस एरिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफी शिकायतें आती हैं जीएसआर के जो रिजर्वॉयर्स बनते हैं या जीआई पाइप्स वगैरह लगती हैं, पहाड़ी इलाका है, लोगों की जमीनों के बीच में से भी पाइप्स चली जाती हैं, तो उन लोकल हिंड्रेंसेस को किस तरीके से हम एड्रेस करें उसके बारे में भी इन कैंप्स में लोगों को सेंसिटाइज किया गया है। उसके अलावा जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जिसकी मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, चाहे नरेगा की स्कीम हो, पीएमएवाई जी की स्कीम हो, उसमें बेनिफिशरीज की वेरिफिकेशन का जहां तक ताल्लुक है और डिपार्टमेंट के रोल का ताल्लुक है उसके बारे में भी हमने कैंप्स लगाए। ब्लॉक लेवल्स पे जो हमने वो कैंप्स लगाए, हमारा एक काउंटर भी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टेब्लिश किया था। सोशल मीडिया पे हमें काफी ग्रीवांसेज आती हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के बगैर भी हमें टैग किया जाता है और हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम कंप्लेंट्स को एड्रेस करें। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस हफ्ते का ये है कि हम करप्शन के जितने जरिए हैं उनको इरेडिकेट करें, और हमारी कोशिश है कि डिजिटल सर्विसेज को प्रमोट करें। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान जो था वो डिजिटल वीक के साथ साथ चला। डिजिटल वीक हमारा 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चला, और उसमें मुझे ये बताते हुए भी बहुत खुशी होती है कि 612 सर्विसेज जो हैं डिस्ट्रिक्ट रामबन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की वो हम ऑनलाइन जो है मोड में दे रहे हैं। हमने लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की डिजिटल वीक के हवाले से कि यू डोंट हैव टू बी टेक सेवी टू अवेल डिजिटल सर्विसेज। मैं काफी टेक सेवी हूं लेकिन जब भी मुझे कोई फॉर्म भरना है, चाहे अपने बच्ची का फॉर्म भरना है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, या मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट पे अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, या किसी और फैसिलिटी के लिए मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट को रुजू करना है, तो आई कैन ऑलवेज अवेल द सर्विसेज ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर्स। तो हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी इसमें एक चैलेंजिंग टास्क दिया है ताकि दे रीच आउट टू द पीपल, उनके वीएलईज जो है वो उसी तरीके से अपनी पंचायत में जाने पहचाने जाएं जैसे लंबरदार, चौकीदार, सरपंच, नाइट सरपंच सारे जाने जाते हैं, क्योंकि उनका रोल डिजिटल सर्विसेज को कामयाब कराने में बहुत बहुत अहम है। अगर आप पूरा स्पिरिट देखेंगे डिजिटल वीक का और भ्रष्टाचार मुक्त का, तो आप देखेंगे कि ये 2 facets ऑफ द सेम कॉइन है। हमारी कोशिश है कि हमारे दफ्तरों में लोग ना आए, घर बैठे बैठे उन्हें सर्विसेज मिले, पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट की जो टाइमलाइंस है उनके बीच में भी सर्विसेज मिले। इसी हवाले से हमने अपने डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करने के लिए 3 तारीख को एक कॉम्प्रहेंसिव ऑर्डर निकाला था जिसमें हमने पंचायत को, म्युनिसिपल काउंसिल्स को, कमिटीज को, पीआरआईज को खास तौर से जो है ग्राम सभाएं करने के लिए कहा गया था। स्वच्छ भारत मिशन पे हम
जोर दे रहे थे, जिसका पूरा फोकस ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और वर्ली चीफ सेक्रेटरी सर का है। उसके अलावा जो हमारा जन भागीदारी पोर्टल है या मोबाइल दोस्त की एप्लीकेशन है, जो डिजिटल वीक के दौरान हमने काफी उसको एक आईसी मोड पे लाया था, उसको भी हमने इसमें प्रायोरिटाइज किया। हमने जितनी भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं रिगार्डिंग इरेडिकेशन ऑफ करप्शन एंड इनकल्केटिंग स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, उसके बारे में था, उनके बारे में हमने उनको आगाह किया। काफी ग्राम सभाएं ऑर्गेनाइज हुई, पानी समितिज को हमने इन्वॉल्व किया। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा फोकस जल जीवन मिशन पे भी है, लोगों को हमने ये बताया कि आप खुद, आपको डिपार्टमेंट से नहीं पूछना है कि आपने कितने FHTCs किए, फंक्शनल हैंड टैप कनेक्शन दिए। अगर आपको लगता है कि गलत इन्फॉर्मेशन की जा रही है, तो आप हमेशा जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पे जा सकते हैं जो गूगल पे अवेलेबल है, और वहां पर आप जब जेके यूटी का मैप खोलेंगे तो वहां पर आप डिस्ट्रिक्ट रामबन की तमाम डिटेल्स आपको पता चल जाएंगे उन्हें डेली बेसिस की, हमारी टोटल कवरेज कितनी है, आज के दिन में कितने हमने दिए, कितने विलेजेस में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज हुई, सब डिविजन वाइज हमारी जो है कवरेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ FHTC कनेक्शंस कितनी है, टारगेट FHTC का JJM से पहले कितना था, JJM के बाद कितना ऐड हुआ, वो सारी मैपिंग और ग्राफिंग उसमें की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी हमने लोगों को इस चीज की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि आप हम पे यकीन ना रखें, आप जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पे जाके अपने डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस को काउंटर चेक करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारा फोकस रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट, चाहे नाबार्ड की स्कीम हो, सिटी एंड टाउन्स की स्कीम हो, पॉटहॉल्स डेवलपमेंट की स्कीम हो, या यूटी केपेक्स या डिस्ट्रिक्ट केपेक्स में हमारे जो रोड्स हैं, बहुत सारे इश्यूज PWD के फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से भी फंस जाते हैं। काफी प्रोजेक्ट्स हमारे नाबार्ड में थ्रू भी हुए, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस ना होने की वजह से उन प्रोजेक्ट्स को शुरू नहीं किया गया। वो ग्रीवांसेस भी हमने इन कैंप्स के दौरान जो है वो सुनी है। जैसे कि रेवेन्यू का मैंने पहले ही जिक्र किया, हमारा फोकस फर्क पे, म्यूटेशन पे, डिमार्केशन ऑफ लैंड पे रहा, और जो डिजिटाइजेशन हमने जो अपना रिकॉर्ड किया है उस पर भी हमने लोगों को फोकस करने के लिए कहा है। प्रभारी ऑफिसर्स को हर विलेज में जाने के लिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से डायरेक्शन आई थी, उन्होंने अपने हवाले से भी अपना फीडबैक लिया है, और हमारी कोशिश है कि उनसे भी हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, उन्होंने भी कुछ इश्यूज फ्लैग किए हुए होंगे अपने पंचायतों में, ताकि उनमें हम पॉजिटिव इंटरवेंशन करें। उसके अलावा जो बिजली महकमे की एमनेस्टी की स्कीम है, पावर बिलिंग का ताल्लुक है, और जो स्टेट जो हमारी यूटी में जो हमारे जो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को हमने जो है वो आगाही दी है। उसके अलावा जैसे कि हमने सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स को भी डायरेक्शन दी थी कि वो तहसील लेवल पे भी काउंटर्स बनाएं, जिसमें डिजिटल वीक और भ्रष्टाचार मुक्त वीक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए। ये सारी एक्टिविटीज के लिए हमने एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अपने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट DVO भी है, हरबंस जी को बनाया था, जिन्होंने डेली बेसिस पर इन एक्टिविटीज को जो है वो मॉनिटर किया है। हमें बहुत खुशी है कि डिजिटल वीक के साथ साथ और उसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त JNK अभियान के साथ साथ हमारा टीचर्स डे का फंक्शन भी मनाया गया, और हमने कोशिश की कि बच्चों में बहुत पहले से ही करप्शन के मैनर्स को लेकर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को लेकर जो सेंसिटिविटीज आपको इंकल्केट करनी है, उनको एब्जॉर्ब करवाना है, जो सोशल मैसेजेस उनको देनी है, इसको हमने अपने टीचर्स डे का मेन थीम बनाया था इस वाले फंक्शन में। उसके अलावा मुझे इस चीज को भी बताते हुए बहुत खुशी है कि हमने कुछ रैलीज भी निकाली, यूथ रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी हमने लिए, और हमने न सिर्फ लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त या डिजिटल सर्विसेज के बारे में, जो बाकी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे आपको अभी रिसेंटली हमारा मेरी माटी मेरा देश का कैंपेन चला, जिसमें पंच प्राण के अलावा सिली फलकम हमने हर जगह लगाए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी उसमें प्लांटेशंस की भी थी। हर पंचायत में 75 प्लांटेशंस आपको लगानी थी, उनको नर्चर करना था, ताकि हमारी जो ये पंचायतें हैं ये वाटिकास बने, अमृत वाटिकास बने। तो उस हवाले से भी हमें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे और जो लोगों का हमारा और ऑफिसर्स का फीडबैक है, हमें उसमें ठीक ठाक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। जो हमारा एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के काफी इश्यूज होते हैं, ग्रीवांसेस होते हैं, वो ऑलरेडी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कंटिन्यूटी में चल रहे थे, लेकिन इस हफ्ते हमने उन्हें उसका फर्दर स्टेक ऊपर किया है। जैसे कि आपको पता है कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 24 अप्रैल से शुरू हुआ था,
पूरे जेके यूटी में इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट रामबन, और 24 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक हमें 93 लोकेशंस पे तीन तीन दिन हर हफ्ते, हफ्ते के पहले तीन दिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे को ओरिएंटेशन कैंप्स करने थे, जिसमें हम एग्रीकल्चर के जो फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज होती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हो, एनिमल शीप हस्बेंड्री या फिशरी से ताल्लुक रखते हो, उन्हें ना सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएं, बल्कि उसके अलावा जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो प्रोग्राम की जो 29 नई स्कीम्स है, चाहे वो मशरूम कल्टीवेशन का हो, पिसी कल्चर की स्कीम्स हो, हनी की स्कीम्स हो, पी कल्टीवेशन की स्कीम्स हो, हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्डिंग की स्कीम्स हो, मार्केटिंग की स्कीम्स हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस की स्कीम्स हो, इन सारी स्कीम्स के बारे में हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी। और इस हफ्ते हमने वी एड्रेस टू द फार्मर्स कि आप अपनी इश्यूज, अपनी प्रॉब्लम्स हमें हाईलाइट करें,